अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी एंड यू आर वॉचिंग स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। आज एक इम्पॉर्टेंट गेम होना है बिटवीन USA एंड आयरलैंड, जिस पे पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंडेंट है। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है। क्या फैंस हों और क्या ही फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, सब ही पाकिस्तान टीम पर, खासकर बाबर आजम पर तनकीद करते हुए नज़र आ रही हैं। क्या पाकिस्तान टीम पर एक बार फिर से कुदरत का निज़ाम मेहरबान होगा, या फिर पाकिस्तान टीम बाउंस बैक कर पाएगी? क्या हम इस टीम को सुपर एट में देख रहे हैं? ये सब कुछ आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड टू स्टार्ट आवर डिस्कशन, वी आल्सो डू हैव अ पैनल इन आवर स्टूडियोज टुडे। आई एम जॉइंड बाय क्रिकेट एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रही हूँ असगर अजीम की। असगर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू। असगर, क्या लगता है, आज एक इम्पॉर्टेंट मैच है, पाकिस्तान का फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है, क्या ये मैच होने जा रहा है? दुआ करते हैं और सकलेन भाई से रابطہ करें, पूरी टीम को एक जगह जमा करें और इज्तिमाई तौर पर दुआ करें। और पाकिस्तान में बारिश होने की दुआ की जाती है, इस वक्त अमेरिका में बारिश ना होने की दुआ करना है। ठीक है, अगर बारिश हो जाती है तो इसके साथ साथ जो हमारे अरमान हैं उस पर भी पानी फिर जाएगा। अरमान तो हमारे कब के बह गए, अरमान अब बचे कब है? जब पाकिस्तान हारा इंडिया के अगेंस्ट तो उस वक्त अरमान बह गए, और जब उससे पहले अमेरिका के अगेंस्ट हारा था तो अरमान सुकड़ के जो है हमारे एक प्लेट में आ गए थे। अब उस प्लेट से जो है वो मजीद बह गए, उसमें पहले सुराख हुआ और उस सुराख की वजह से जो है सारे के सारे अरमान अब बह गए। अब तो ये हमारे जो तमाम के तमाम उम्मीदें हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। और कुदरत के निज़ाम की आप बात कर रही हैं तो कुदरत का निज़ाम भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे काम आएगा, चूँकि फ्लोरिडा में जो है इस वक्त जो है तूफ़ानी बारिशों का जो मामला चल रहे हैं। गो के इस वक्त ताज़ा तरीन इतला ये है कि 20% अब चांस है बारिश के, लेकिन बात यह है कि बात सिर्फ 14 में ख़त्म नहीं होगी, बात तो 16 पर भी जाएगी ना, तो 16 तक भी हमें ये मामला को देखना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज का मैच मुकम्मल हो पाएगा। अच्छा, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंटरनेशनली, श्रीशांत की बात करूंगी, उनकी जानिब से कहा गया है कि वो USA को सुपर एट में देख रहे हैं, और यही सेम बात ब्रायन लारा की जानिब से भी की गई है। अच्छा, ये दोनों कौन हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स? नहीं, किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? एक इंडिया से हैं और एक वेस्ट इंडीज से। यहाँ तो मुझ समेत अपना कोई साथ नहीं दे रहा, अगर वो कह रहे हैं तो कौन सा गलत कह रहे हैं वो, तो मेरे ख्याल है उनको कहने दिया जाए, उनके अरमान हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा, बकौल हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के। और अभी भी उन जिन्हें ये उम्मीद है कि पाकिस्तान फाइनल एट के लिए किसी तरीके से जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत एज तो पाकिस्तान को देना चाहिए। लेकिन जब अपने ही नश्तर चलाएं और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अपनों को बोलने का खुद मौका दे, तो फिर किसी और से क्या शिकवा करें। ठीक है, अब आपने निश्तर चलाने की बात कर ली है, तो इंजमाम उल हक ये कह रहे हैं कि बाबर ने दोबारा से कैप्टेंसी ले तो ली है, लेकिन ना ही वो अपनी कैप्टेंसी को जस्टिफाई कर पा रहे हैं और ना ही अपनी परफॉर्मेंस को। बिल्कुल इंजी भाई के साथ जाऊंगा मैं, और उनकी वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबर को दोबारा कप्तान बनाने में अगर मुखालफिन में कोई था तो मैं भी उसमें शामिल था। और जब बाबर PSL ने परफॉर्मेंस दे रहे थे और उनकी कैप्टनशिप में थोड़ी सी प्रमोशन हमें नज़र आ रही थी, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इतनी जल्दी इनको क़यादत ना दी जाए और इनको जो है मज़ीद एज़ ए प्लेयर खेलने का मौका दिया जाए और एज ए प्लेयर डोमेस्टिक में इनको कप्तानी करने दिया जाए, ताकि इनमें जो कप्तानी के जरासीम है वो पैदा तो हों। जिस शख्स में कप्तानी के जरासीम ही नहीं है, हमने उठा के उसको अपनी टीम का दूल्हा बना दिया है कि भाई आप दूल्हा हैं, अब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, आपकी सारी बातें हम मानेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पहले भी जल्दी की गई थी, अब भी जल्दी की गई है। अब उस कप्तानी के प्रेशर में बाबर अपनी बैटिंग के फॉर्म भी खो चुके हैं और वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहे। भाई एक बार और कही है इंजी भाई ने कि बाबर को उनके भतीजे ने इमामुल हक ने कि बाबर को किसी ने अजीम नहीं बनाया, उसको पूरी दुनिया ने अजीम बनाया है। तो मुझे भी पता है, मुझे भी पता है इमाम, आपको भी क्रिकेट खेलने आया, भी आपकी क्रिकेट अभी बाकी है और इंजमाम का कोई चांस लग नहीं रहा कि वो चीफ सेलेक्टर बने। तो जाहिर है अब चचा से भी आप जो है मुखालफत में आ गए हैं और उनके ख्याल से, उनके तजिए से और उनके तजुर्बात से आप बागी नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है इमाम को, इमाम आपने बाबर को तो सपोर्ट करना है, चूँकि आपको अपना फ्यूचर भी तो सेव करना है। अच्छा, ये बताएं कि बाबर आपको इस वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं या एज अ कैप्टन नजर आ रहे हैं? देखिए, सच पूछे तो बाबर को प्लेयर की हैसियत से खेलने में तो मुझे कोई आर नजर नहीं आता, लेकिन वन डाउन नहीं। और कैप्टेंसी,
कैप्टनसी तो मैंने कहा ना कि पहले भी गलत दी गई थी, अब भी गलत दी गई है। कैप्टनसी के जरासीम उसमें है ही नहीं, वो कैप्टनसी के दुखदो खाल में पूरा उतरता ही नहीं है, ना उसका माइंडसेट है ना उसकी बॉडी लैंग्वेज है। हाँ ये है कि उसके पास बैलेंस बहुत है, वो अपने बैलेंस को एंजॉय करे। तो असल अल्टरनेटिव कौन है फिर बाबर का, क्या टीम में मौजूद है? देखिए पूरी टीम में इस वक्त क्यादत के लायक कोई एक प्लेयर भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रिजवान हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, रिजवान उस वक्त मेरे लिए ऑप्शन थे जब बाबर को क्यादत नहीं दी गई थी, और अगर बाबर की जगह रिजवान को क्यादत दे दी जाती तो उस वक्त टीम की सूरत हाल आज जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती और हम इस पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि रिजवान में जो जरासीम है वो बाबर में नहीं है कैप्टनसी के। लेकिन उससे पहले शाहीन को कप्तानी दी गई और दो महीने के बाद शाहीन से कप्तानी ले ली गई। अगर अब शाहीन को कप्तानी दी जाती है तो सिचुएशन वैसे ही होगी जैसे बाबर के साथ हुई, टीम में बगावत का अंसर मौजूद रहेगा। या फिर शाहीन को अगर कप्तानी देनी है तो पूरे 10 लड़के फारिग करके प्लेइंग 11 पूरे नए लड़कों की आप बना दें ताकि कोई सर ना उठा सके, कोई कम से कम 4-5 साल तक बगावत का सोच भी ना सके। और अगर इसी टीम में से 5-6 लड़के माइनस करके इसी टीम को रेगुलर करना है तो सिर्फ एक चॉइस है, ठीक है, सिर्फ एक चॉइस है, वो है सरफराज के। 3 साल के लिए उसको आप कप्तानी दे दें, सरफराज से क्रिकेट भी मुश्किल 2-3 साल की बची है, और उसको टारगेट दे दें कि आइंदा चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, वो हमारा हदफ है, और सरफराज ये कमांड तुम्हारे साथ है। उसके अलावा और कोई तरीका नजर नहीं आता, कोई लड़का हमें दूर दूर तक कप्तानी के लिए नजर नहीं आ रहा। तो असकर आप ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम वाली जो बात है उसे मान लिया जाए और इस पूरी की पूरी टीम को ही फारिग कर दिया जाए और नया जो टैलेंट है बेसिकली उससे मौका मिलना चाहिए। देखिये मैं किसी भी साबिक क्रिकेटर के ना इस तरह की बातों को एग्री नहीं करता, क्योंकि ये 25-50 लाख रुपए लेकर टीवी पे बैठ गए जो है ना अपने मतलब की बातें करते हैं। एक लड़का सामने आता है उसको देखते हैं और देखने के बाद अगर उनको क्लिक समझ में आती है कोई बात तो उसको उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक करते हैं, और अगर थोड़ी सी वो लड़का परफॉर्मेंस से नीचे आ जाता है तो फिर वो उसकी इतनी सारी खामियां निकालते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। ये खुद हमारे साबिक क्रिकेटर टीवी पे बैठने वाले एक जगह एक माइंड सेट के तहत अपने आप को टिकते ही नहीं है, अपने आप को एक जगह वो अपनी तवज्जो ही नहीं रखते हैं, तो इनकी बातों से एग्री क्या करना। मैं तो इनकी बातों से किसी से एग्री नहीं करता। यही वसीम अकरम थे जो सरफराज के गुण गाते थे, यही वसीम अकरम थे जो बाबर आजम के गुण गाते थे, यही वसीम अकरम रिजवान के गुण गाते थे, शाहीन शाह अफरीदी के गुण गाते थे, यही वसीम अकरम इफ्तिखार चाचा के गुण गाते थे। और मेरे भाई अगर कोई फ्लॉप हो गया तो आप कहते हैं सबको बदल दो, भाई हम तो आपकी बात ही नहीं मानते ना, और ना ही बोर्ड को मानना चाहिए। चूंकि जब से वसीम अकरम साहब आप बोर्ड के करीब हुए थे ना साबिक हुकूमत के दौर में, जब से ही जब आप क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बने थे और फिर आपने उस चेयरमैनशिप को ला ताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया था, जब से ही टीम का यह हाल हुआ है। आप ही एडवाइज़र थे खान साहब के, और आप ही एडवाइस पर जो है ना वो टीम चल रही थी, और उस वक्त के जो चेयरमैन साहब थे वो भी आप ही के एडवाइस पर चल रहे थे। तो असल आप ये कह रही हैं कि सरफराज को दोबारा से मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी बात में एक बात अपनी भी ऐड करूंगी कि सरफराज को तो अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाले भी कप्तान नहीं बनाते हैं, तो हम उन्हें टीम का कप्तान कैसे बना लें, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने असगर से ये पूछा था कि वो रिलेक्टेंट हैं कि सरफराज को दोबारा से कैप्टेंसी दे दी जाए, लेकिन कोई तक ग्लैडिएटर्स वाले भी सरफराज को अब कैप्टेंसी देने के हक में नजर नहीं आते हैं, तो असगर हम उन्हें कैप्टन दोबारा कैसे बनाते हैं? देखिए क्वेटा का मामला बिल्कुल अलग है, और क्वेटा सरफराज की बहुत कदर करता है। वहाँ पे फ्रेंचाइज के दो बड़े एक नुक्ते पर मुतमईन नहीं हो रहे, और यही वजह है कि सरफराज को वहाँ से कैप्टनसी से हटाया गया था। लेकिन नेशनल सतह पर देखा जाए तो सरफराज की ज़रूरत इसलिए भी है कि मैंने आपसे कहा कि पूरी टीम में इस वक्त
कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको कैप्टनसी दी जाए तो ग्रुपिंग भी खत्म हो जाए और लड़के एक जगह मुत्तहिद होकर एक परचम के लिए खेलना शुरू कर दें, क्योंकि अभी तो लड़के ना अपने लिए खेल पा रहे हैं और ना ही कौमी परचम के लिए खेल पा रहे हैं। जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। दुनिया में कभी किसी टीम की ये सूरत हाल ऐसी नहीं हुई ऑन द टूर इतने बड़े इवेंट के दौरान, और फिर चेयरमैन जिसकी तस्दीक कर दें कि मुझे मालूम है टीम में क्या चल रहा है और क्या इसकी सर्जरी की ज़रूरत है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे में अगर टीम को मुत्तहिद रखना है, टीम को कंटिन्यू करना है, तो हमारे पास वापस आए नतीजा फिर भी नहीं मिल सका हमें। मैं आपसे कह रही हूं कि अगर सरफराज को वापस लेकर आते हैं तो क्या हम फिर से मिस्टेक नहीं करेंगे? अभी हम आमिर को वापस लेकर आए, मात को वापस लेकर आए, लेकिन रिजल्ट हमें वो वाले तो नहीं मिले अभी तक। आमिर ने को लेकर आए तो आमिर अगर गए थे तो उसकी वजूहात बिल्कुल अलग थी, और आमिर इतना गुड करेक्टर भी नहीं है कि हम उसको और सरफराज को मिलाएं। सरफराज जैसा गुड करेक्टर क्रिकेटर हमारे पूरे स्ट्रक्चर में कहीं नज़र नहीं आता। आमिर मैच फिक्सर, उसने मैच फिक्स किया और पाकिस्तान का सौदा किया, भले उसने सलमान भट्ट के कहने पे किया, किसी को भी कहने पे किया। आमिर जिसने पैसे के खातिर लीग खेलने के खातिर पाकिस्तान से पहले टेस्ट क्रिकेट छोड़ी और उसके बाद पाकिस्तान से रिटायरमेंट ले ली और ये कहा कि जी मुझे फ़लाँ 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 लोगों से इख्तलाफ है, और उसकी बयानबाजियाँ भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। यह और बात है कि आमिर के पीछे जो सिफारिश है वो सिफारिश वहाँ की है जहाँ से टीमें फाइनल होती हैं, तो जिसकी वजह से उनको लिया गया। लेकिन सरफराज का मुकाबला आमिर से करना, मैं तो समझता हूं कि सूरज को गिरन लगाने वाली बात है। सरफराज ने वैसे लास्ट जो T20 फॉर्मेट में अपना मैच खेला था दैट वाज 22 नवंबर 2021, तो काफ़ी टाइम नहीं हो गया, आप समझते हैं उनको अगर वापस आएंगे तो वो वाली फॉर्म भी शायद नहीं होगी। टीम को कप्तान की ज़रूरत है इस वक्त टीम को, और ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना है कि उसको कप्तान चाहिए या उसे एक बिटर चाहिए, एक बैट्समैन चाहिए, विकेट कीपर चाहिए या विकेट कीपर कप्तान चाहिए या एक बिटर कप्तान चाहिए। लेकिन टीम को ज़रूरत है कप्तान की। अगर कप्तानी वाली सलाहियत सरफराज के अलावा पूरी टीम में किसी में नज़र आती है तो आप बना दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इस बात की गारंटी देते हैं ग्रुपिंग भी नहीं होगी, आप इस बात की गारंटी भी देते हैं कि वो टीम को एक जगह मुत्तहिद रखा जाएगा, टीम जो है परफॉर्मेंस देगी, जिस तरह सरफराज ने 11 सीरीज जिताई थी हम भी जिताएंगे, सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, आने वाला कप्तान भी जिताएगा। सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वर्ल्ड कप के लिए कोई टीम क्वालिफाई नहीं कर रही थी, हमारे साथ होंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। पाकिस्तान टीम इस वक्त तनकीद की जद में भी है, और अगर आयरलैंड और USA का मैच अगर वॉश आउट हो जाता है तो पाकिस्तान की जर्नी भी यहां पर ऑलमोस्ट वैनिश्ड हो जाएगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, ये फरमाइएगा कि क्या आज मैच होता हुआ आपको नज़र आ रहा है USA वर्सेस आयरलैंड, क्योंकि हम भी इस पर डिपेंडेंट हैं सर। देखिए ये जो अभी हम सब बातें कर रहे हैं ना, ये वक्त बातों का नहीं है। मैं भी मुसल्ला बिठा के बैठा हुआ हूँ कि किसी तरह USA हार जाए आज और हमारा मैच है और हम जीत जाएं, तो ये क्रिटिसाइज तो हम अभी टाइम बहुत है हमारे पास कि क्या होना है क्या नहीं होना है, बट आई होप मुझे उम्मीद है मैच हो पहले तो, क्योंकि बारिश के भी चांसेस लग रहे हैं और उसके बाद USA मैच भी हारे। तो सिर्फ भाई कब तक हम ये करते रहेंगे कि हम ही मुसल्ला बिछा के बैठ जाएं, हम ही दुआएं करते रहें, कौम हमारे लिए दुआएं करे, कब तक करते रहेंगे? प्रोफेशनल कब होंगे? कब दूसरे ममालिक की तरह सर उठा के जो किसी इवेंट में जाएं और सर उठा के अगले मरहले में जाएं? ये हमने कोई ठेका लिया हुआ कि टीम के लिए हम दुआएं करते रहें? क्यों आप दुआ कर रहे हैं, क्यों आपने मुसल्ला बिछा रखा है? कि हमारे दिल में ही दिल पाकिस्तानी है, क्या आपका ही दिल पाकिस्तानी है? क्या इनका दिल पाकिस्तानी नहीं है? ग्रीन शर्ट ये पहनते हैं, पाकिस्तान का लोगो ये लगाते हैं, सीने पर पाकिस्तान ये लिखते हैं, पाकिस्तान से पैसा ये कमाते हैं, इज्जत ये लेते हैं, सब कुछ ये लेते हैं और दुआ करें कौम? ये क्या बात हुई, कब तक? नहीं सोची भाई, नहीं बस बहुत है, आ जाइए, आ जाए, हार जाए।
आप अगर इसमें खुश हैं कि हार जाए तो ठीक है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। इस जब से हार कर आ जाए इसमें हम खुश हैं। कौम को भी पता चल जाएगा कि भाई इनके लिए दुआ करना छोड़ो, ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर भी है, दुआ हुआ नहीं चलती भाई, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये प्रोफेशनल किस्म की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल अगर प्रोफेशनल काम करें तो क्या, अगर पहुंच गए तो क्या होगा, कमर्शियल में छक्के चौके मारते हैं, कमर्शियल में बैलेंस बहुत है इनके पास, कमर्शियल में सारे काम करते हैं, ठंडा गर्म पीते हैं। और मेरे भाई हम इनके लिए क्यों दुआएं करें यार, हमें तो समझ नहीं आता ना दुनिया में कौन सी टीम है जो इतना करती है। वो भाई प्रोफेशनल बात करें भाई, मैच खेले जीते या हारे छोड़े, अरे मेरी भी बात सुनो, जीते या हारे आप क्या समझ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा भाई, ठीक हो गया नहीं, मेरे मैं नुकते पे कायल हूँ कि इनके लिए दुआ की जरूरत नहीं है, इनके लिए आपके कहने, आपके कहने से कभी हुआ है, आप सबके कहने से कभी हुआ है कुछ, हम ही लोग तो ये बात करते हैं ना कि भाई दुआ कर ले भाई, ये करने में क्यों कर रहे, नहीं कर रहे भाई, दुआ बीइंग ए मुस्लिम हम बात कर रहा हूँ, अरे भाई बीइंग ए मुस्लिम, ये कि बीइंग ए मुस्लिम खेल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, खेल में मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है सर जी, माफ कीजिएगा, खेल इस बात से बिल्कुल अलग है, नहीं नहीं नहीं, ये बीइंग ए मुस्लिम खेलने नहीं गए, इनकी हालतों को इन पे छोड़ दें, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, अपना फर्ज पूरा करते रहे तो भाई, बड़े भाई आप भी अब जी बात करते हैं, सर आप भी तो मुल्क से बाहर जावा ही रहे ना, तो आपको क्या फिक्र है इस बात की यार, आप भी तो इधर उधर जा रहे हैं, आपकी माशाल्लाह नौकरी बड़े भाई आप भी क्या बात करते हैं, भाई आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं बाबर आजम का इस वर्ल्ड कप के बाद, कैटेगोरिकली बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, फ्यूचर क्या है, खेलेंगे वो खत्म, कैसे कैसे ऐसा कैप्टन ही खेलेंगे या ऐसा प्लेयर खेलेंगे, जो जिस सूरत में खेलेंगे वो खेलेंगे, और इसलिए कि आपके पास कुछ है ही नहीं, आप ये दो तीन चार प्लेयरों को, बड़े प्लेयरों को हटा के तो फिर नए प्लेयर खेला लीजिए और उसके बाद हम देख लेंगे। आसिफ भाई लेकिन बासित अली साहब कह रहे हैं कि पूरी टीम को ही बदल देना चाहिए, बासित साहब पहले कोच लगा दें, बाद में जो चाहे करें, उनको लगा दें जो चीज मांग रहे हैं ना वो दे दें उनको, बस और कुछ नहीं है, आसिफ भाई लेकिन इंजमाम भी कह रहे हैं के साथ है, हर कोई ओहदा मांग रहा होता है, पहले टीवी में बैठ के जो है ना तनकीद के नश्तर चलाते हैं, ओहदा मिल जाए तो मुंह पे ताले लगा लेते हैं, ये तो हर क्रिकेटर के साथ है, एक बासित की बात करते हैं क्या करना, या सबके साथ ऐसे ही है, मेरे पास तो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है जो टीवी में बैठ के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और जब ओहदा मिल जाता है ठंडे हो जाते हैं। और तौसीफ भाई इंजमाम भी कह रहे हैं कि बाबर जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं अपनी कैप्टेंसी और परफॉर्मेंस को, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा सर, आप बोर्ड में भी देख लें, सब कोई जस्टिफाई नहीं कर, आप क्या समझते हैं कि इससे पहले हालात खराब नहीं हुए, हमेशा कुछ हुआ, हुआ क्या, अब आप मुझे बताइए, सिर्फ पर्टिकुलर मैं, आपने जिस बंदे की बात की उसका माजी आपने देखा, उसका माजी क्या था, अच्छा, तो आप मुझे जानना चाहेंगे आपसे कि विराट कोहली के फ्यूचर को आप कैसे देख रहे हैं, क्या उन्हें वन डाउन खेलना चाहिए, जो टीम के साथ ऑफिशियल लगे हुए उनका माजी का पता है सबको, पता है तो फिर क्यों लगाते हैं भाई, पता तो है ना सबको कि कौन क्या है, सवाल किया सर उसका जवाब दे दें प्लीज, क्या आपने क्या कहा सर, क्या विराट को वन डाउन खेलना चाहिए, विराट को, विराट उनकी टीम ज्यादा बेहतर समझती है कहाँ खेलना चाहिए सर, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है सर, नहीं नहीं मेरा ख्याल है जहाँ वो उनके लोग खिला रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जब अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान वापस आए ना तो एयरपोर्ट सब ने जाना है मिलके, ठीक है, तो टमाटर ले गया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और जाहिर है कि हमें भी कुछ वक्त का सामना है, आज के मैच पे पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंडेंट है, उम्मीद करते हैं कि यूएसए और आयरलैंड के दरमियान ये मैच हो जाए, और यूएसए ये मैच जीत नहीं सकता है आयरलैंड से, और इसके अलावा पाकिस्तान आयरलैंड को हरा दे तभी हमारे कुछ चांसेस बनेंगे, अदरवाइज हमारा आगे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।